जिला महिला चिकित्सालय परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 शैया मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में प्रसूताओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शुरू हो गई है। महिलाओं के लिए अच्छी बात यह है कि अब उन्हें घंटों लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में प्रतिदिन कम से कम 100 अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। इससे पहले जिला महिला चिकित्सालय में प्रतिदिन सिर्फ 60 प्रसूताओं के अल्ट्रासाउंड किए जाते थे, जिसके कारण दूर दराज इलाकों से आने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। प्रसूताओं के अल्ट्रासाउंड के लिए 3 डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में प्रसूताओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शुरू कर दिया गया है। 3 डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन कम से कम 100 अल्ट्रासाउंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अन्य व्यवस्थाओं को शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बिजली की उचित व्यवस्था न होने के कारण इमरजेंसी सेवा अभी शुरू नहीं किया गया है, बहुत जल्दी उसको भी संचालित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, तो पहले देखिए ओपीडी शुरू करा दी गई है आउटडोर, और अल्ट्रासाउंड की सुविधा वहाँ पे शुरू करा दी गई है। और अल्ट्रासाउंड में भी एक आ गया, चूँकि मशीनें भी बढ़ गई हैं तो हम कम 100 से कम अल्ट्रासाउंड रोजाना नहीं हो। 3 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, मशीनें भी चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होंगे। एक कमरा और बढ़ा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए ताकि नीचे हो जाए, क्योंकि वो जो विंग बनी है उसमें ओपीडी का सिस्टम नहीं था, उसमें केवल इमरजेंसी सिस्टम है। इमरजेंसी सिस्टम के लिए हमें थोड़ी सी बिजली की समस्या आ रही है, बिजली है लेकिन वो कटती रहती है और हमारे पास स्टैंड बाई जनरेटर नहीं है, तो इसकी व्यवस्था हम कोई अल्टरनेट व्यवस्था के तैयारी में है। जैसे ही हो जाता है वैसे ही हम इमरजेंसी भी शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे पूरी इमरजेंसी यहाँ से वहाँ चली जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेशन के लिए भी हमने बात करी है, कल्चर के लिए मेडिकल कॉलेज से कल्चर के लिए वो ले गए हैं, वो करके देते हैं, जब निगेटिव हो जाएगा तब वो वहाँ पे ऑपरेशन उस ऑपरेशन थिएटर में किए जा सकते हैं, उसके पहले वो ऑपरेशन थिएटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑपरेशन अभी नहीं शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम उसको जल्दी से जल्दी स्टेप बाय स्टेप शुरू कराने की प्रक्रिया चला रहे हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ से बंद हो चुका है पूरी तरीके से? अल्ट्रासाउंड यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लिया गया, क्योंकि अननेसेसरी दो जगह में फिर कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्टाफ दो जगह लगाना पड़ता, एक ही जगह कर दें, कोई जगह वहाँ जगह की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डॉक्टर कितने वहाँ पर अभी? 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टर।